समस्तीपुर जिले के अंदर एक ऐसी तस्वीर आई है, जो तस्वीर के बाद से है कि गांव के अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोगों की भीड़ जो है वो घटना स्थल पे मौजूद है। बात करें आपको समस्तीपुर जिले के केवस निजामत प्रखंड के एक जो कब्रिस्तान है जो केवस निजामत के अंदर है, इस कब्रिस्तान के अंदर आज अहले सुबह एक कब्र से जो है एक शख्स की लाश निकलने के बाद मामला जो है कि प्रकाश में आया। और मामला आप देख सकते हैं कि ये केवस निजामत का घेराबंदी किया हुआ, इसके अंदर जो है एक शख्स का लाश निकली है जो कि 10 महीना पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी और आज जो है उनका शव निकला है। शव निकलने के बाद जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पे मौजूद हो गई है और उसके बाद से जो सिलसिला है, बातों का सिलसिला है, विचारों का सिलसिला, और लोग तरह तरह के चर्चाएं कर रहे हैं आखिर क्या है, कौन लोग थे। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि शव निकला है, कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसा होता है कि कब्र से शव निकलना एक बड़ी बात मानी जाती है मुस्लिम समुदाय में, और यही वजह है कि हम यहाँ के इमाम हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी इमाम साहब, बताएंगे कि यहाँ किन शख्स की लाश निकली है और कैसे क्या उसके बारे में आपको जानकारी लगी है। सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अहले सुबह बाद नमाज फजर करीब 7 बजे करीब कब्र से एक लाश बाहर निकली जो कब्र से लगभग 2-3 फीट की दूरी पर, और मदरसा के तालिबे इल्म छोटे छोटे बच्चे वो गए और मरहूम मोहम्मद तौहीद खान उनके पोते उनके बेटे वो गए और चुपचाप जब मुझे इतला किए कि हाफिज़ साहब इमाम साहब ऐसी ऐसी खबर मिली है तो मुझे ये सुनाई दिया कि ख्वाब में मैंने देखा है कफन या कुछ हड्डी, तो मैंने कहा कि अगर कुछ हड्डी अगर नज़र आई है तो आप कब्र में रख दे, उसके बाद अगर कोई कफन नज़र आया या ख्वाब आपने देखा है तो आप उनके नाम से आए सवाब करें, फातिहा खानी करें, नजर नियाज करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, अजाब कब्र से मौला महफूज फरमाए। लेकिन उनके पोते जो है और दो चार शख्स मिल करके कब्र में ही रख दिए, और शरीयत का ये हुक्म है कि जब अगर लाश बाहर आई तो अगर कफन अगर वो सीधा हो गया है तो सही से नया कफन दे करके ताज़ीमन अदबन एहतरामन रखा जाए। लेकिन मुफ्ती अमजद रज़ा अमजद इदारा शरिया जो इदारा शरिया के मुफ्ती है और बज़ुबानी अजमल खान साहब के जो उनके रिश्तेदार हैं, अहल अक़रबा है, ख़ास करीबी है, उनके बज़ुबानी उनके कहने के मुताबिक मुफ्ती अमजद रज़ा ने कहा है कि अगर जब लोगों ने 4-5 लोगों ने रख दिया है तो फिर अब दोबारा निकालना बेहतर नहीं क्योंकि ये मैयत की भी हुरमती है और तकलीफ़ पहुँचेगी। मुफ्ती निहाल साहब नैनाघाट मदरसा गौसिया, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है, अगर लाश बाहर है या नहीं है वो इतला मैंने नहीं किया, वो ये बात मैंने नहीं कही कि हुजूर बात यह है कि लाश बाहर आ गई कब्र से, तो उन्होंने कहा कि अगर लाश बाहर आ गई है तो नया कफन करके अच्छी तरीके से तजहीद तकफीन कर दे और उसके बाद दुआए खैर करे। तो ये खबर है और शरीयत के नज़र में, शरीयत की रोशनी में मैंने मसला बता दिया मुफ्ती साहब के बज़ुबानी कहने पर। और आपके जरिए से क्या होना चाहिए जब कब्र के बाहर से लाश पड़ी हुई थी, क्योंकि 2-3 फीट आप बता रहे हैं आगे पीछे थी, तो इस हालात में क्योंकि 10 महीना पूर्व उनकी इंतकाल हुई है और इस बीच फिर उनका कब्र के अंदर क्योंकि उसकी हड्डियाँ वगैरह भी कुछ सुखड़ी वगैरह थी, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और ये जो वाकया पेश हुआ आज सरजमीन केवस निजामत के कब्रिस्तान में, तो ये हिकमत है, मशीयत इलाही, मशीयत इलाही है, और रब तबारक व तआला ये दिखा करके लोगों के लिए इबरतनाक वाकया बनाया ताकि लोग देखें और इबरत हासिल करें क्योंकि तुम्हें भी यहाँ आना है और रब की बारगाह में कौन सी ऐसी नेकी कबूल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है, गफूर रहीम है कि आज बरोज़ 28 तारीख 29 तारीख है और मालूम ये हुआ है कि उनका इंतकाल 2 रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुई और वो वताला ने वो मुकाम अता फरमाया है कि 10वां महीना 11वां महीना होने के बाद जिसम भी सही सलामत है और कफन कुछ बोसीदा हो गया था जो 4 लोगों ने दफन कर दिया फिर दोबारा, तो अब दफन की कोई जरूरत नहीं है, कफन की कोई जरूरत नहीं है? जी नहीं, अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब जब 4 लोगों ने दफन कर दिया है तो अब मैयत को तकलीफ पहुंचेगी, ऐजा पहुंचेगी और मैयत को तकलीफ देना, ऐजा देना ये। तो अब आप लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे काफी लोग की भीड़ लगी है तो क्या किचन के लिए कुछ व्यवस्था वगैरह या कोई मुजासरी वगैरह तो ऐसा बनने का आप लोग नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं जो उनके बारे में कहा गया है काफ़ी अहमियत विस्तार से इन्होंने जानकारी दी है। बहरहाल अब तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ के लोगों के बीच जो बातें आई है अब उस पर ये लोग अमल करते। बहरहाल समस्तीपुर के अंदर ये ऐसी तस्वीर आई है जो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर थी। कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर अमूमन तौर पर आपको बहुत कम मिलती है जहाँ कब्र के अंदर से लाश अगर बाहर आती है मुस्लिम समुदाय के अंदर, ये कब्रिस्तानों के अंदर ये मामला सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, लोगों की भीड़ इस कब्रिस्तानों पर तक पहुँच रही है। अब देखने वाली बात होगी कि लोग जो दफन कर चुके हैं, कफन भी जो थे उसी में लपेट के उन्हें पुनः दफन कर दिया गया है और अब जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग उनकी उनका जो है कि कब्र की अब ज़ियारत करने को लोग पहुँच रहे हैं, उनके कब्र को देखने को पहुँच रहे हैं। और उनके जो परिवार वालों का बताना था, जब हमने उनसे बात की सुबह में तो उनके परिवार वालों ने बताया कहीं ना कहीं किसी शख्स ने उनके कब्र से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। अब तो वो दफन हो चुके हैं, उनके जो कब्र में वो उनको फिर से पुनः दफन कर दिया है और इस पूरे मामले पे अब विराम लगती नजर आ रही है।